भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 7,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 7,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा। 3.6 करोड़ 60 लाख गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया। 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया।